काउंटिंग की व्यवस्था का की व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था की जायज़ा करने के लिए हम डीआईजी साहब और एसएसपी साहब सभी यहां आए हुए हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, किसी भी प्रकार का कोई भी घटना ना हो, शांतिपूर्वक निष्पक्षता सहित सुगमता से कल की काउंटिंग कराई जाएगी। इसी व्यवस्था को निरीक्षण करने के लिए हम यहाँ आए हैं और इलेक्शन कमीशन के जो निर्देश हैं वो सब पे लागू होते हैं। पुलिस प्रशासन, राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके जो कल एजेंट्स, पोलिंग एजेंट्स और उनके जो प्रतिनिधि आएंगे, उन पर भी इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। सर, राजनीतिक पार्टी के लोग बाहर बैठे हैं, इनको कैसे अलाउ किया? जो चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, निर्देश के क्रम में ही उनको भी कार्य करना होगा। 144 लागू है, जो आपने बात बताई इसका परीक्षण किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, जीतने के बाद प्रत्याशी को लिए क्या गाइडलाइन होगी? चुनाव आयोग के निर्देश इसमें बड़े स्पष्ट हैं कि चुनाव के बाद कोई भी विक्ट्री रैली नहीं होगी, तो यही चुनाव आयोग के निर्देश का पालन कड़ाई से यह सुनिश्चित कराया जाए। और मेरी अपेक्षा सभी राजनीतिक पार्टियों की प्रतिनिधियों से है कि वो चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप अपना कार्य करें, ताकि एक शांतिपूर्वक, निष्पक्ष, सुगम और सुचारू रूप से मतदान कल। इधर है एसएसपी साहब।